एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मिलो ये दीदी से, आप भी कर दो हेलो। ये दीदी बहुत दूर से आई हैं, और कौन है ये मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, और उससे पहले आप मेरा पूरा व्लॉग देखना, उसमें पता चल जाएगा ये कौन है। हम दोनों से मिलने आई हैं, मेरे से और छोटे बाबू से और आरवी से, स्पेशली आरवी से, क्योंकि आरवी के टाइम से ही हम इन्हें जाने थे। तो आप कहाँ से आई हो दीदी? सोना। ये सोना के पास से गाँव कुंवर सिंह का। हाँ, और ये है इनके बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? सुफियान। इनका नाम सुफियान है, घर जाके वीडियो देख लेना, ठीक है? तो अभी मैं बताती हूँ दीदी कौन है, और ये तो पता चल गया कहाँ से आए हैं, और इनसे हमारी जो मुलाकात हुई थी वो लगभग 4 साल होने वाले हैं। तो आज इन्हें पता चला कि छोटा बेबी हुआ है, उससे मिलने के लिए आए हैं। तो अभी मम्मी और बाकी सब भी घर पे हैं, बट वो खाना बना रहे हैं अभी। तो थोड़ी देर, काफ़ी देर हो गई वैसे तो दीदी को आए हुए, हम लोग गपशप मार रहे हैं बहुत देर से। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। आइए जनाब, स्वागत है आपका। बढ़िया। अरे बड़ी बदतमीज, तैयारी में खड़ी है। तैयारी में आज भी यहाँ फ्रेश होने आया था, मैं कह चलवा दे। हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदा। हेलो आरवी, अभी निकल पहनने में बिजी है। आज मैं आपको दिखाती हूँ, अब वरुण तो आ गए, इन्होंने चाय पी लिया, एक समोसा खाया है, और अभी हम दोनों के बातें चल रही हैं। तो ये आते ही इतनी फनी फनी सी बातें बताते हैं ना, कि मेरा पेट में दर्द हो जाता है हंसते हंसते। और आज मैं आप लोगों के साथ भी वो चीजें शेयर करूंगी। देखो ये क्या करते हैं, वो ले आओ यार, पागल हो गया के? अभी हमने रोशनी भी थोड़ी सी ज्यादा ले ली है, अब बताओ क्या बता रहे थे आप? रोशनी ज्यादा मत ले। मैं होगा आज, मैं जब फ्लाइट पर आ रहा हूँ ना, थोड़े नजदीक ला मेरे फोन है। तो मैं आ रहा था कोचीन से, कोचीन से मैं मुंबई आ गया, मेरी फ्लाइट 9:35 पे लैंडिंग कर गई, ठीक है। मैंने देखा 9:55 पे दूसरी फ्लाइट थी, वहाँ से मुंबई से कोची, मुंबई से दिल्ली। तो मैंने 20 मिनट, मैं कहा 20 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, पर मैं भाग भाग के गया भाई गेट पे। गेट पे गया तो मैं, फ्लाइट निकल गई, गेट क्लोज हो गया, मैं वहीं बैठ गया। तो एक छोरा फ़ोन पे बात कर रहा, पलवल वाली भाषा में, मैं यूनिफॉर्म में है ना, तो मैंने कि अच्छा ये तो मेरे के अपने इलाके का सा लग रहा हो। तो वो बात करते करते दूसरी साइड जा रहा हूँ, मैंने बात कही, मैंने कि ओए ओ ऐसा करके, बिल्कुल डिट्टो मैं, ओ तो मान मेरी तरफ देखो, मैंने ऐसा करो जब कह रहा हूँ, मैंने कि हाँ तू ही जरा मैं डर, तो कह हाँ भाई क्या हुआ, यूनिफॉर्म में तो हुई हूँ मैं, थोड़ी इज्जत ही बोल रहा हूँ। वो यू भी शौक होगा, अरे ये बुला रहे मेरे को, इनकी कौन जा रहे हो ऐसे बोल रहा है, ऐसे ही यंग सोए तो 25 साल को। अच्छा, तो ये करो मैं बल्लभगढ़ जा रहा हूँ, जो करो भाई आप कहाँ से हो, मैंने कि मैं पलवल से हूँ। तो फोन काट कूट के जट हुई तो बता रहा हो, फिर कोई बात ना जी। प्रमोद भाई और मेरे खास दोस्त बैचमेट बड़े भैया फ्लाइट ऑपरेट कर रहे मुंबई से दिल्ली, उन्हीं के साथ आए थे। मैंने प्रमोद भाई को वेट कर रहा हूँ, मेरा ही कप्तान वप्तान से मुलाकात हुई, वो मतलब इतना हैरान हो, यू हो कह रहे हो मेरे से। अच्छा, दो 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 फाइल ले दो दो मिल गए। तो क्या नाम है भैया? मैंने सबसे पहले मैंने की भैया के टिकट स्कैन करो इसकी, मैंने अपनी एसीएम स्लिप दी, सब आगे बाकी कोई
वहाँ की सीट ही बिल्कुल लास्ट में जाके। अच्छा। तो मैंने सबसे पहली सीट पे बैठा है। मैंने की हाँ, फिर हमें क्या है, जैसे हम ट्रेवल कर रहे हैं ना, ऑन स्टाफ ऑन ड्यूटी, स्टाफ ऑन लीव जो भी है, तो हमें कैप्टन ने ना बतानी पड़े अंदर कॉकपिट में जाके कि हम भी ट्रेवल कर रहे हैं। मान लो कोई कोई भी मतलब इमरजेंसी आ जाए या फर्स्ट ऑफिसर है दिक्कत हो, कैप्टन है तो एडिशनल पायलट ऑन बोर्ड है, तो हमारा बतानी पड़ेगा। वैसे तो उन्हें पता ही रहे, फिर भी एक बार जाके बताओ। तो मैं अंदर गया, मैंने की कॉकपिट देखा को। अच्छा भाई, तो उसकी तो लॉटरी लग गई है। मैंने कप्तान दिया, मैंने कीजिए मेरे कजन है, कॉकपिट में बुला लू भीतर, क्यों परमिशन लेनी रही ना पायलट इन कमांड। कह रहे हाँ बुला बिंदास। मैं लगा हुआ सब बताई, मैंने की थ्रस्ट लीवर है, ये पार्किंग ब्रेक है, एसी है, ये इंजन फायर, ये पुश बटन है, लैंडिंग गियर डाउन करने के सिस्टम, फुल राजी हूँ। फिर भाई ये पीछे आके बैठे हम, मैंने की कॉफी पिया गो। तेरी कसम, मैंने की कॉफी पिया गो। तो भाई कह रहा हूँ कॉफी पी लेंगे। तो जी मैंने वहां कॉफी मंगाई ना, पहले कॉफी ना मंगाई, तो अभी सर्विस कर रही। मैंने की मैडम एक काम करो, पॉपकॉर्न दे दो। पॉपकॉर्न खाई हमने। फिर लास्ट में जब फ्लाइट जब डिसेंट चालू होगा, मैंने की भाई अब कॉफी पीएंगे है ना, फिर कॉफी मंगाई। उतरने के बाद भैया फिर वो प्रमोद भाई आए, फिर वहां फोटो खींचे, और तो देखा दिखा फोटो, नहीं तो मुझे विश्वास ना करोगे। हाँ फोटो रख रखो मैंने, मैंने की ला भाई तेरा फोटो खींचो विद प्रूफ। अभी आप क्या खा रहे हो, आप दिखाने सरा क्या है इसमें। इसमें है चिलुआ। चिलुआ नहीं। तो इसमें चिलुआ नहीं, खील है ये, खील। चिलुआ पता है हमारे घर में किसको बुलाते थे, अभी नहीं बुलाते पर जब बुलाते थे किसको बुलाते थे, ये भैया आओ अभी बताते, या को जहाज के साइड में फोटो खींचो, और प्रमोद भाई मेरे ये रे बेचारे। मैंने कहा भाई अम्मी खींचेंगे फोटो, तो ये कैप्टन के साथ ही है। आपके साथ नहीं खिंचवाया था क्या उसने? ना ना वान मेरे साथ ना करा, शर्मा रहा हूँ। मैंने कि मैं ही क्यों कहूँ। अच्छा। और फिर मेट्रो में मेरे साथ तक, मैंने कि प्रमोद भाई टर्मिनल वन छोड़ दो, गाड़ी में उन्होंने टर्मिनल वन छोड़े, मेट्रो में यहाँ तक लाया। वाके फुल लॉटरी, आज सोच रहे हो कहा होगा मेरे साथ। बिल्कुल यार सच्ची में, मतलब ऐसे ही हमारे साथ क्यों नहीं होता सरप्राइज। क्योंकि हमें आप जैसे लोग नहीं मिलते। फुल मजे आ गया, मैंने खुद ने बुलाया, सोची भी ना होगी कि आज मेरे साथ ऐसे हो जाएगा ना। बिल्कुल सच्ची में यार, ऐसे तो लॉटरी लग जाएगी, मतलब बिंदास। सो गाइज, अभी मैं बताने वाली हूँ कि जो दीदी आई थी वो कुछ ऐसा था कि आर्मी जब हुआ था आज से 4 साल पहले, 4 साल में 3 महीने कम है, तो उस टाइम पे वो हमें हॉस्पिटल में ही मिली थी, और बॉन्डिंग है जो वो बहुत अच्छी है, फ़ोन पे भी बातें होती रहती हैं उनसे। तो जब आर्मी हुआ था उस टाइम भी वो ना बिछौनी लेके आई थी, हालांकि हमने बनाई थी, बट वो जो लेके आई थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और इस बार उनको पता चला कि बाबू है, तो वो भी बाबू से मिलने के लिए आई थी, और अभी शाम का टाइम है तो वो चली गए हैं। उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इस बार भी 2 बिछौनी लेके आई छोटे बाबू के लिए, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बड़ी ही प्यारी है। और हमारे यहाँ पे तो मिलती भी नहीं है, इधर सारा होता है, तो उनकी तरफ से ये छोटे बाबू के लिए सौगात है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो ये देखो अच्छी है ना, यहाँ पे ये अलग अलग कलर की पट्टियाँ दी हुई हैं, यहाँ पे बीच में एक चौड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है, और ये फुंदने लगाए हुए हैं, तो ये काफ़ी सुंदर है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है सबसे अच्छा, वो भी बड़ा प्यारा है। और ये आना छोटे छोटे से, ये देखो ध्यान से दिखाई दे, तो ये है ना यहाँ पे सिलाई हो रखी है ये, और उस सिलाई में छोटे छोटे से ना फूल बने हुए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इसके बाद जो दूसरी है वो ये है, मैंने अभी निकाला था, अभी लगा दूंगी इसको शूट करके। सेकंड है ये वाली, और ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका जो कपड़ा है वो सुनील के कपड़े जैसा है, तो ये भी बड़ी प्यारी है। और इसके साइड में ये देखो बॉर्डर लगा हुआ है, अच्छी है ना। और ये इधर भी फुंदने दिए हुए हैं, और ये काफ़ी बड़ी हैं, तो इन्हें आप मोस्टली देखा करोगे अभी बेड पे बिछी हुई, तो बाबू इन पे सोया करेगा। और इससे पहले वाटरप्रूफ तो नहीं है ये, बट मैं आर्मी के लिए भी ऐसे ही बिछाती थी, एक बड़ी सी पॉलोथीन लेके इसके नीचे लगाई, फिर उसके ऊपर ये बिछाया, फिर आर्मी को लेटा दिया। तो अभी छोटा बाबू भी ऐसे ही लेटा करेगा,
तो मुझे यही बताना था, वो इतनी दूर से आई हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। आर्मी के टाइमिंग के बाद अभी आई हैं 3 साल बाद लगभग। तो ऐसे ही होते हैं रिश्ते, है ना, कभी कोई इंसान कहाँ मिल जाए कुछ नहीं पता चलता, और फिर उनसे बहुत ही अच्छा रिलेशन बन जाता है एक। सो गाइज, आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वरुण की बातों में कितना मजा आया कमेंट करके बता देना, और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जो कि है पायलट ऑन बोर्ड के नाम से, और मैं उनका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो भी कर लेना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।